ये आकाशवाणी है। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर AK वार्ष्णेय। नमस्कार श्रोताओं, इस समय देश में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और पूरी दुनिया की नजर वैक्सीन के हब भारत पर है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपने देश में टीकाकरण कार्यक्रम के लिए भारत की ओर देख रहे हैं और इनमें से कई देशों ने भारत से वैक्सीन की मांग का अनुरोध भी किया है। भारत की मेड इन इंडिया वैक्सीन के नगण्य साइड इफेक्ट्स और इसकी इफेक्टिविटी इफिकेसी को देखते हुए दुनिया के बहुत से देशों ने मेड इन इंडिया वैक्सीन के लिए भारत से संपर्क किया है, जो बहुत ही गर्व की बात है। भारत की पड़ोसी देशों के लिए टीकों की अनुदान सहायता इस महीने की 20 तारीख को शुरू की गई और पहले ही दिन भूटान को 1,50,000 और मालदीव को 1,00,000 टीके भेजे गए। कल नेपाल को टीकों की 10,00,000 खुराक और बांग्लादेश को 20,00,000 खुराक की आपूर्ति की गई। आज भी म्यांमार के लिए 15,00,000, मॉरिशस के लिए 1,00,000 और सेशल्स के लिए 50,000 टीके भेजे गए हैं। श्रोताओं, कोरोना उसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोविड 19 को लेकर आपके मन में उठ रही शंकाओं और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर AK वार्ष्णेय। हम जब तक डॉक्टर वार्ष्णेय से संपर्क करते हैं, अपने श्रोताओं को बता दें कि आप भी डॉक्टर वार्ष्णेय से कोरोना को लेकर कोई भी सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-5767 और 011-233-1444 पर आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNews पर #AskAIR पर अपने सवाल आप पोस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो देश में अब तक कोविड टीकाकरण अभियान में 10,00,000 से भी ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने के देश ने इस महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हमारे देश में लोगों के अंदर उत्साह है, वो पूरे विश्व के लिए अपने आप में एक मिसाल है। और या ये कहना चाहिए कि चूंकि भारत देश 70% वैक्सीन जो पूरे विश्व की है उसे सप्लाई करता है, भारत एक वैक्सीन के हब के रूप में देखा जाता है, तो ऐसे में जो अग्रणी भूमिका है हमारे देश की, वो पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए, वो इस बात के लिए आज पूरी दुनिया भारत देश की ओर देख रही है कि भारत किस तरीके से दुनिया के इस सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम का मैनेजमेंट कर रहा है। और दोस्तों, सरकार और हमारे देश के जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो टीका बनाने वाली कंपनियां हैं, उनका भी पूरा यही प्रयास है कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों में इन वैक्सीनेशन को पहुंचाया जाए। और जैसा कि आपको पता है कि वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने कई प्रायोरिटी ग्रुप्स बनाए हैं और इस समय सबसे पहले जो इसका नंबर आता है वो स्वास्थ्यकर्मियों का नंबर है। स्वास्थ्यकर्मी इसलिए क्योंकि वो हमेशा एक्सपोज रहते हैं, पेशेंट्स के पास रहते हैं, तो उनमें जो बीमारी का खतरा है वो सबसे ज्यादा होता है और जब बीमारी का खतरा सबसे ज्यादा होता है तो इसलिए उनको सबसे पहले इस क्रम में रखा गया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, और वो लोग जो बुजुर्ग हैं, जो कोमॉर्बिडिटीज के शिकार हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके अंदर गंभीर बीमारी है, कोई किडनी की बीमारी है, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत से लोगों को हृदय की बीमारी है, या कैंसर जैसी बीमारियों से जो लोग जूझ रहे हैं उनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है, या कई बार हम ये कहें कि जैसे किडनी जैसी बीमारियों में इम्यूनो सप्रेसेंट की वजह से
रोग प्रतिरोधक क्षमता जो इंसान की होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जब भी उसे कोई बीमारी होती है तो उससे लड़ने में बहुत वक्त लग जाता है। अब जब ऐसे में इसीलिए इस तरह की प्रायोरिटी ग्रुप्स की बात हुई है कि ये जो प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं वो उनको हम पहले वैक्सीन लगाएं, लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि देश के हर एक नागरिक तक इस वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। और इस बीच डॉक्टर वार्ष्णेय हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर वार्ष्णेय, अगर हम कोविड वैक्सीनेशन की बात करें तो देश ने कोविड टीकाकरण अभियान में 10 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने के महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लिया है। आप विश्व के सबसे बड़े कोविड 19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे देश में 16 तारीख से जो टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है और इस समय दो वैक्सीन उपलब्ध हैं हमारे यहाँ, एक सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। और इस तरीके से सबसे पहले, जैसे पहले भी बताया गया था कि जो स्वास्थ्य कर्मी है हमारे, सबसे पहले टीका उनको दिया जाएगा, जिसमें डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ आता है। और इस तरीके से अभी लगभग 10 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को यह टीका लग चुका है जी। और डॉक्टर वार्ष्णेय, इस समय पूरी दुनिया भारत की किफायती और इफेक्टिव मेड इन इंडिया वैक्सीन को, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की ओर देख रही है। बहुत से देशों से मांग भी आ रही है। भारत पहले से ही दुनिया का वैक्सीनेशन हब है, इससे देश की साख पूरी दुनिया में और भी बढ़ेगी। तो आप क्या कहेंगे, क्या कुछ भारत ने, जिस तरह से एक नहीं, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि दो मेड इन इंडिया वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं इसे? ये देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दो वैक्सीन अब हैं और अभी दो तीन वैक्सीन और हैं जो पाइपलाइन में है, और उससे भी ज्यादा है कि ये वैक्सीन काफी सस्ते रेट पे जो है हमारे यहाँ दी जा रही है, लगभग 200-300 रुपए पर डोज मिल रही है। जबकि जो बाहर की वैक्सीन है, जो फाइजर कंपनी की, मॉडर्ना की वैक्सीन है, वो कई गुना ज्यादा महंगी है, 2000 से लेकर 4000 रुपए तक कीमत है, जो कि एफोर्डेबल नहीं हो सकती हमारे जैसे देश के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए ये काफी सस्ती भी है और सेफ मेडिसिन, सेफ वैक्सीन है, प्रभावी भी है, इसलिए काफी देश, खासतौर से जो हमारे नेबरहुड के कंट्री, काफी मांग रही है और इस वैक्सीन की मांग की है भारत सरकार जी। और डॉक्टर वार्ष्णेय, किसी भी वैक्सीन को लगवाने पर कुछ नॉर्मल, शॉर्ट टाइम और टेम्पररी साइड इफेक्ट्स होते हैं, कोरोना वैक्सीन को लेकर आपका अनुभव कैसा रहा है और क्या इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, ज्यादातर जो है, पहली बात जैसे हम लोगों ने बात की कि लगभग 10 लोगों को ये वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को लग चुकी है, और बहुत कम लोगों में, 1000 से भी कम लोगों में जो काफी साइड इफेक्ट। जी डॉक्टर वार्ष्णेय, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आप अपनी थोड़ी सी पोजीशन को चेंज करें ताकि आपकी आवाज साफ हमारे श्रोताओं तक पहुंचे। अगर ये अभी आवाज सुना जी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है जी। देखिए, जो है बहुत माइनस है, बताया गया, या हल्का सा जो है सिर दर्द हो गया या मामूली बुखार हो गया, और ये सिम्टम ज्यादातर 24 घंटे में सबसाइड हो जाते हैं जी। कोई मेजर साइड इफेक्ट अभी तक जो है हमारे देश में रिपोर्ट नहीं हुआ जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताया कि कोई भी मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जहां एक ओर हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया भारत की वैक्सीन का लोहा मान रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ तबका ऐसा है जो लोग मेड इन इंडिया जो वैक्सीन है उसको लेके बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? ये टेक्निकल इशू जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा। जो हमारी वैक्सीन डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है उसकी 3 फेज होती है, फेज 1, 2, फेज 3। तो जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसने अपनी फेज 3 पूरी कर ली है और उसके जो है रिजल्ट उन्होंने पब्लिश उन्हें बता दिए हैं। जो कोवैक्सीन वैक्सीन है वो अभी फेज 3 में चल रही है। तो बहुत से लोग साइंटिस्ट ये कहते हैं कि भाई फेज 3 के रिजल्ट आने के बाद हमको वैक्सीन देनी चाहिए थी, लेकिन जहां तक मैं बता रहा हूं ये कोवैक्सीन वैक्सीन जो है पूरी तरीके से डाटा एनालाइज किए गए हैं एक्सपर्ट द्वारा, और ये पूरी तरीके से सेफ पाई गई है, तभी जो है सरकार ने इसको इमरजेंसी यूज के लिए और
जी डॉक्टर वाशने, आपसे दोबारा से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज कर लें तो और बेहतर सुनाई देगा हमारे श्रोताओं को। आप भी आवाज सुनाई दे जी, थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है। देखिए जो वैक्सीन जो बात कर रहा था जी, बेहतर है जी, कोविशील्ड वैक्सीन है उसकी फेज थ्री ट्रायल पूरी हो चुकी है, लेकिन जो कोवैक्सीन वैक्सीन है उसकी अभी फेज थ्री ट्रायल चल रही है। तो बहुत से लोगों ने उस चीज को कहा कि जब तक फेज थ्री ट्रायल के रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक इसको नहीं अप्रूव करना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ ये कह दूं कि ये वैक्सीन के जितने भी डाटा अवेलेबल हैं वो पूरी तरीके से एक्सपर्ट द्वारा एनालाइज किए गए हैं, उसके बाद जो है इमरजेंसी अप्रूवल जो होता है उसके लिए सरकार ने इसको दिया है। और अभी तक जो भी अनुभव रहा है दोनों वैक्सीन से, वो दोनों वैक्सीन काफी सेफ पाई गई हैं और किसी भी वैक्सीन से कोई भी मेजर साइड इफेक्ट नहीं मिला। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए आपने दी है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ हैं, इफेक्टिव हैं और इनकी कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है। डॉक्टर वार्ष्णेय, आपसे जानना चाहेंगे कि वैक्सीन को लगवाने के कितने दिनों बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं? हाँ देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे बड़ा है कि जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो ये दो डोज वाली वैक्सीन है, सभी वैक्सीन जो उपलब्ध है, पहली वैक्सीन लगेगी जिस तारीख को, उसके 28 दिन के बाद दूसरी वैक्सीन लगेगी और उसके दो हफ्ते के शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होती है। तो ये मानिए कि जिस दिन पहली डोज लगी है उसके 6 हफ्ते के बाद आपके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होंगी, तो ये जरूरी है। लेकिन और इस बीच में देखिए, जिनको वैक्सीन लगी है उन लोगों को भी और जिनको नहीं भी लगी है, जो हम बार बार कहते हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको तो अपनाते रहना है, आपको हमेशा मास्क पहन के रहना है और जितनी भी सामाजिक दूरी बना के रख सकते हैं वो बना के रखें और अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ रखें, जिससे हम इस इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकें। जी, और इस बीच हमारी जो फोन लाइन्स हैं वो खुली हुई हैं स्टूडियो की। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1157-67 और दूसरा नंबर है 0112-33-14444। अपने जो भी श्रोता डॉक्टर वाशने से सवाल करना चाहते हैं आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। हमारे पहले कॉलर आज के बड़ौस से महेश शर्मा जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी, बताइए। सवाल है जी, कोरोना से बच्चों को कैसे बचाएं, क्योंकि स्कूल तो बंद है अभी, स्कूल की कोई संभावना भी नहीं कब खुलेंगे। जी डॉक्टर वाशने, हम ये कह सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं स्कूल नहीं जा रहे हैं और मार्च के बाद से ही वो घर पर हैं, तो ऐसे में बहुत सारी उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो डेली एक्टिविटीज हो नहीं पा रही हैं। तो बच्चों को अपने स्वास्थ्य पर किस तरीके से ध्यान देना चाहिए और कैसे वो अपने को फिट एंड फाइन रख सकते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सभी की ये चिंता है कि जो बच्चे हैं वो नॉर्मल अपना बाहर नहीं जा पा रहे, स्कूल भी नहीं जा पा रहे, उनकी जो आउटसाइड की खेलकूद की गतिविधियां हैं उस पर भी काफी हद तक रोक लगी हुई है। परंतु चूंकि ये महामारी बहुत बड़ी है और जब तक हम इस इन्फेक्शन पर कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए बच्चों बड़ों का जहां तक बड़ों की सवाल है वो काफी हद तक मास्क पहन सकते हैं या दूरी भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम बच्चों को स्कूल में अलाउ करते हैं तो वो शायद उतनी चीजें ना कर पाए कि मास्क पहन के रहें या अपना आसपास में ना आए। तो इसलिए अभी सरकार ने एहतियातन स्कूल नहीं खोले हैं, केवल कुछ जो 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के बच्चे हैं जो थोड़े से बड़े भी हो जाते हैं उनको भी एहतियात के तरीके से स्कूल जाने की परमिशन दी गई है जी, जहाँ के पेरेंट्स उनके तैयार हों और फिर स्कूलों में भी पूरा सैनिटेशन का ध्यान रखा जाए, उनकी स्पेसिंग रखी जाए और कम बच्चों को एक क्लास में रखा जाए। तो इस तरीके से अभी बात चल रही है और यही बात है कि धीरे धीरे करके जब यह टीकाकरण शुरू हो जाएगा उस टीकाकरण से जो है हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, कुछ जो नेचुरल इन्फेक्शन फैलता है उससे, जैसे हमने कहा कि इम्यूनिटी है जिसको हम हार्ड इम्यूनिटी कहते हैं वो डेवलप हो जाती है। तो जब इस तरीके से ये काफी लोग हमारे 60-70% पॉपुलेशन इम्यून हो जाएगी तभी हम लोग सुरक्षित हो पाएंगे। तो इसलिए अभी तो बच्चों को जो पेरेंट्स है उनको इंडोर में ही जो है एक्टिविटी, शारीरिक एक्टिविटी, ये जो व्यायाम वगैरह है वो घर में करा सकते हैं, उनको जो है क्रिएटिव वर्क में लगा सकते हैं और उनको
डिफरेंट जो है इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, उसमें पढ़ाई में कर सकते हैं। और काफी जगह जैसे अभी आपने देखा कि नेटवर्क जो है इंटरनेट के द्वारा पढ़ाई कराई जा रही है, स्कूलों से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो इस तरीके से करके ही ये समय हमें बिताना पड़ेगा जी। और इस बीच हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बाद हम रुख करते हैं महाराष्ट्र का औरंगाबाद का, जहां से गौतम जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। गौतम जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार सर, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार जी, मेरा सवाल है सर कि जब वैक्सीन लगता है तो क्या उसको ब्लड ग्रुप से भी संबंध है सर? जी डॉक्टर वार्ष्णेय आपसे ये जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन करवाते समय या टीका लगवाते समय क्या उसका संबंध ब्लड ग्रुप से भी होता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब हर ब्लड ग्रुप के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और सभी में जो है वैक्सीन से इम्यूनिटी डेवलप होती है, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को कोई चिंता की बात नहीं। डॉक्टर वार्ष्णेय, कोविड 19 वैक्सीन लगवाने के लिए पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करवाते समय किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? देखिए, कोई भी आइडेंटिटी है जिससे कि ये एस्टेब्लिश हो कि ये आप व्यक्ति हैं, जिसमें कि आपका नाम होगा, आपकी उम्र आपको बतानी पड़ेगी, आपका फोन नंबर आपको देना पड़ेगा, और वो आइडेंटिटी जो भी आप देते हैं, जैसे पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, या कोई भी सरकारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, कोई भी जो है जिससे कि ये पता लगे कि ये आप ही हैं। क्योंकि तो जब रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद जब SMS के द्वारा आपको सरकार से खबर आएगी कि किस सेंटर पे आपको कितने बजे पहुंचना है, तो जिस कार्ड के द्वारा आपने रजिस्ट्रेशन किया जब वो वहां पे चेक हुआ होगा, जिससे ये पता लगे कि आप ही वही व्यक्ति हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिससे कि व्यक्ति सही व्यक्ति को लगे। और सरकार के नेट में एक डाटा भी उपलब्ध हो जो कोविन ऐप है, उसमें मॉनिटरिंग होगी। और फिर उसका बहुत जरूरी इसलिए भी है कि जिस व्यक्ति को पहली वैक्सीन लगी है उसको फिर 28 दिन के बाद दूसरा टीका लगना भी बहुत जरूरी है, और उसके बाद ही फिर उसको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा कि उसके दोनों वैक्सीनेशन पूरे हो गए। तो इसलिए कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो बैंक की पासबुक हो या कोई भी डॉक्यूमेंट जो हर जगह मान्य है, जिससे कि आप अपनी पहचान बता सके, वो मान्य हो जी। और इस बीच उत्तर प्रदेश में बलरामपुर से हमारे साथ रेगुलर कॉलर हमारी रिंकी तिवारी जी जुड़ गई हैं। रिंकी जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी जी सिद्धार्थ जी नमस्कार, स्वागत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर सर को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार जी। रिंकी जी बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी जी फरीदाबाद से अनवर सर को भी मेरा नमस्कार। जी सर, मैं क्वेश्चन पूछने से पहले अपनी उन सर को मतलब बधाई देना चाहूँ जो आज तक हमें कनेक्ट थ्रू करवाते हैं, और इतना शिद्दत और मेहनत से तीन जिस तरह वो आप प्रत्यक्ष रूप से हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरी आवाज उन तक पहुँच रही है सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जी जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या नाम से जैसे कहा गया कि 18 साल के जो नीचे होंगे यानी जो 15 होंगे 16 होंगे इन्हें वैक्सीन नहीं दिया जाएगा, आखिर ऐसा क्यों है? सिद्धार्थ मैं ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर सर से। धन्यवाद जी। डॉक्टर वार्ष्णेय, जो लोग एडल्ट नहीं है या हम ये कह सकते हैं कि 18 साल से कम आयु वर्ग के लोग हैं, उन्हें वैक्सीन के लिए उनके लिए क्या प्रबंध है वैक्सीनेशन का? देखिए, अभी जो वैक्सीन की जो ट्रायल्स हुई है अभी वो 18 साल से लेके ऊपर वाले व्यक्तियों के लिए एडल्ट में ये ट्रायल हुई है। इसके अलावा इसमें जो प्रेग्नेंट हमारी महिलाएं हैं या जो दूध में जो आने वाली महिलाएं हैं वो उनको उसमें एक्सक्लूड किया गया है। तो अभी जो ट्रायल में इन लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया, इसलिए ये तीन ग्रुप जिसमें कि 18 साल से छोटे बच्चे हैं या हमारी स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं या जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए अभी ये वैक्सीन का चूंकि कोई प्रभाव नहीं देखा गया इसलिए उनके लिए इंडिकेटेड नहीं है इस स्टेज पर। आगे देखिए, जब वैक्सीन के और ट्रायल हो जाएंगे, जब ये देखा जाएगा ये पूरी तरीके से सेफ वैक्सीन है और कोई साइड इफेक्ट नहीं मिले, प्रभावी वैक्सीन है, तो हो सकता है बाद में ये ट्रायल बच्चों पर भी की जाए। क्योंकि ऐसी बात नहीं है, देखिए जैसे अगर बच्चों का टीकाकरण होता है तो आप ये देखिए कि इतनी वैक्सीन हम बच्चों में लगाते हैं जो शुरू में, तो वो बच्चों में ही उनका प्रभाव देखा गया और वो बहुत सेफ वैक्सीन है। तो इसी तरीके से बाद में ये वैक्सीन भी बच्चों के लिए आएगी, लेकिन इस स्टेज पे अभी बच्चों पे इसका क्योंकि प्रभाव नहीं देखा गया इसलिए कोई भी देश में, चाहे वो विदेश में हो या हमारे देश में, सभी में जो है वो एडल्ट के ही लिए अभी इसको दिया गया जी। और हमने रुख किया उत्तर प्रदेश का, फिर इसके बाद महाराष्ट्र का, और अब हम रुख करना चाहेंगे बिलासपुर का,
छत्तीसगढ़ में, जहां से हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। प्रदीप गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं जी? सर मेरा ये सवाल था सर, जैसे वैक्सीन आ चुकी है सर, तो छोटे बच्चे को नहीं दिया जा रहा है क्योंकि बच्चों को जरूरी था, ये कब मिलेगा? क्योंकि बच्चों को अभी अब साल भर हो गया, आजादी चाहिए था। और मेरा दूसरा सवाल है सर, जैसे बच्चों में संक्रमित होती है तो कितने ज्यादा संक्रमित होते हैं, कितने मतलब खतरा है, क्या इसकी, ये जानना था मेरे को जी। डॉक्टर वार्ष्णेय, बच्चों को लेकर कई सारे सवाल आ रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं कि बच्चों में संक्रमण की कितनी संभावना होती है और उन्हें वैक्सीनेशन कब लगेगा? देखिए, अभी इससे पहले ही मैंने इस सवाल का जवाब दिया है कि अभी चूंकि ये बच्चों पे ट्रायल नहीं हुए हैं, इसलिए अभी बच्चों के लिए तो ये वैक्सीन रिकमेंड नहीं है। दूसरे, जैसा हमारा अभी तक का अनुभव है, ये बीमारी लगभग एक साल हो चुका है इस बीमारी को आए हुए, और ये देखा गया कि बच्चे जो है ज्यादा प्रभावित नहीं होते, उनमें ये इन्फेक्शन होता तो है लेकिन उसकी सीवियरिटी ज्यादा नहीं होती। और जितने भी डाटा अभी तक आए हैं सारी जगह से, बच्चों में बहुत ही हल्का इन्फेक्शन होता है और जो मृत्यु वगैरह दर है वो बच्चों में लगभग निगण है, उनमें ज्यादा इन्फेक्शन अपना सीवियर रूप नहीं लेता। ज्यादातर लोग जो एल्डरली व्यक्ति हैं और इनमें क्या कोमॉर्बिड कंडीशन है, जिसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, एचआईवी की बीमारी है, उन लोगों को ज्यादा प्रभाव पड़ता है बीमारी का। और मृत्यु वगैरह भी जो 1.5% के करीब मृत्यु दर है वो लगभग उन्हीं ग्रुप में ज्यादा है। तो बच्चों में इन्फेक्शन बहुत कम है और बहुत सेफ भी है, बच्चों को ज्यादा बीमारी अपना उग्र रूप धारण नहीं करती, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी वैक्सीनेशन में वक्त लगेगा जी। और डॉक्टर वार्ष्णेय, अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, मधुमेह या डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन जैसी बीमारियों से पीड़ित है तो इसके लिए वो दूसरी दवाएं भी ले रहा है, तो ऐसे में क्या ऐसे लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए? हाँ देखिए, जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है उनको वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है क्योंकि उनमें इन्फेक्शन होने का खतरा हमेशा ही ज्यादा रहता है और वैक्सीन उसमें सुरक्षा दे सकती है। सिर्फ ये जरूर है कि अगर किसी व्यक्ति को पहले से कोई दवाइयों से एलर्जी है या किसी चीज से एलर्जी है तो वो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं कि उन्हें कोई एलर्जी की बीमारी है। वो डॉक्टर उनको असेस करेंगे कि भाई इनको दी जा सकती है नहीं दे सकती, या उनको और ज्यादा देर तक ऑब्जर्वेशन में रखा जा सकता है। या बहुत से लोग ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जिनमें के ब्लड थिनर जिसको हम बोलते हैं, जिससे कि उनको हम पतला करते हैं, उनमें अगर आवश्यक होगा, चूंकि हम ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं तो कई बार उसमें ब्लीडिंग का डर रह सकता है, तो उसमें उस समय जो है शायद ना दी जाए। तो आप जो भी बीमारी है, आप अपनी पूरी बीमारी को अपने डॉक्टर जब वहां हेल्थ सेंटर पर जाएंगे जहां पे आपको बुलाया जाएगा, आप अपना पूरा डाटा बताएं और डॉक्टर अच्छी तरीके से एग्जामिन करने के बाद ही आपको देंगे। लेकिन जो भी गंभीर बीमारी से व्यक्ति हैं उनको वैक्सीन लगवाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि उनमें इन्फेक्शन होने का खतरा और होने का खतरा ज्यादा जी। और अब हम रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां से हमारे साथ रामजी गर्ग जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। रामजी नमस्कार। सर नमस्कार, और डॉक्टर साहब को मेरा राम राम। जी जी राम जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इम्यूनिटी अन्य रोगों के लिए भी बढ़ेगी कि सिर्फ कोरोना के लिए ही लाभदायक रहेगी? जी डॉक्टर वार्ष्णेय जानना चाहते हैं कि कोविड का टीका लगवाने के बाद जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी आएगी वो सिर्फ कोविड 19 के लिए होगी या दूसरे रोगों के लिए भी होगी? नहीं, ये केवल कोविड 19 के लिए होगा और बाकी लोगों चीजों के लिए आपको डिफरेंट जो वैक्सीन उपलब्ध है और अगर आवश्यक होता है। देखिए बच्चों में तो हम वैक्सीन जैसे लगाते हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत एडल्ट में भी बहुत सी वैक्सीन लगती है, वो आप अपने जो भी चिकित्सक हैं उनसे परामर्श कर सकते हैं। जैसे हम इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन जो सालाना है वो एडवाइज करते हैं, जिनको सांस की बीमारी है, अस्थमा है वगैरह, उससे उनको इन्फ्लुएंजा होने की प्रतिभा हो जाती है। तो ठीक है, बहुत सी वैक्सीन एडवाइज करते हैं और हर वैक्सीन बड़ी स्पेसिफिक होती है, वो उस बीमारी से ही हमारा बचाव करती है जिसकी वो वैक्सीन। जी जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जिस बीमारी की वैक्सीन होगी वो सिर्फ उसी बीमारी का बचाव करती है। और इस बीच हम रुख करते हैं जालौन का, उत्तर प्रदेश में, जहां से अमित तिवारी जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अमित तिवारी जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार।
जी मैं जय माता दी रेडियो श्रोता छोटी माता मंदिर के निकट कोटा जिला दारण उत्तर प्रदेश से आपका नियमित श्रोता मैं तिवारी बोल रहा हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को नियमित रूप से सुनने के लिए। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी सर जी हम ये पूछ रहे हैं कि यह टीका मतलब किन किन लोगों को लगेगा और मतलब कितने दिन तक मतलब यह टीका मतलब कितने दिन में असर करने लगा शरीर पर। दूसरा मेरा सवाल यह है कि यह टीका जो इसकी गति है वह मतलब इतने जल्दी जो होना चाहिए मतलब हो गई है। वैसे मतलब इसको कई बार से सुनने में आ रहा था कई बार लग जाते हैं लेकिन इतने जल्दी कम समय में क्या मतलब वह जी इसमें प्रतिरोधक क्षमता हो पाएगी जो मतलब ज्यादा समय में होती है। जी डॉक्टर वाशने जैसे आपने प्रायोरिटी ग्रुप्स के बारे में पहले ही बताया कि अभी स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लग रहा है, इम्यूनिटी के बारे में बात की, इन्होंने एक नया सवाल पूछा है कि कोविड की जो दो वैक्सीन मेड इन इंडिया वैक्सीन हैं या विश्व में जो दूसरी वैक्सीन भी है उन्हें बहुत कम समय में डेवलप किया गया है दूसरी वैक्सीन की अपेक्षा, तो उसको लेकर ये सवाल पूछ रहे हैं कि कितनी इफेक्टिव होगी या कैसे संभव हो पाया। जैसे तो पहला सवाल का तो हमने जवाब पहले भी दिया था कि शुरू में 1 करोड़ के करीब जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी है उनको दिया जाएगा, फिर 2 करोड़ के करीब जो फ्रंट लाइन वर्कर है जैसे पुलिस पर्सनल है और पैरामिलिट्री पर्सनल है सफाई कर्मी उनको दिया जाएगा, फिर लगभग 27 करोड़ के लिए वो व्यक्ति जो 50 साल से ऊपर की उम्र के हैं उनको या 50 साल से नीचे के व्यक्ति जिनको के कोमोरबिड कंडीशन है सीरियस कंडीशन है उनको दिया जाएगा। तो इस तरीके से लगभग शुरू की फर्स्ट फेज में ये 30 करोड़ व्यक्तियों को दिया जाएगा। ये बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि ये वैक्सीन बड़ी जल्दी डेवलप की गई है और इसीलिए इनको इमरजेंसी दिया गया है और के जो डाटा उपलब्ध है वैक्सीन जो प्रभावी है चूंकि अभी वैक्सीन के ज्यादा से ज्यादा 6-7 महीने के ही डाटा उपलब्ध है तो अभी तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैक्सीन अंदाज से जो है 6 महीने से लेकर 1 साल तक तो जरूर प्रभावी होनी चाहिए, परंतु जैसे जैसे देखिए समय बीतेगा चूंकि ये नई वैक्सीन है नई बीमारी है तो धीरे धीरे ही पता लगेगा कि ये वैक्सीन की जो 2 डोज हम दे रहे हैं वो उसकी इम्यूनिटी कितने दिनों तक रहती है उसकी, लेकिन अंदाज ये है कि कम से कम 1 साल तक जरूर रहनी चाहिए। जी और जल्दी से एक अपने अंतिम कॉलर को ले लेते हैं, अनीश जी जुड़ गए हैं रामपुर से। अनीश जी समय कम है, अपना सवाल जल्दी से पूछिए। जी सर डॉक्टर साहब नमस्कार। जी मैं ये कहना चाहता हूँ सर टीके जो बहुत सारे लोग टीके लगवाते हैं और बहुत सारे नहीं लगवाते हैं सर ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जी टीका लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए कितना सुरक्षित है? डॉक्टर वाशने बहुत संक्षिप्त में आपका जवाब चाहिए। बिल्कुल देखिए मैं तो ये कहूंगा कि सभी टीका पूरी तरीके से सुरक्षित है और इन पे पूरी जो है अच्छी तरीके से साइंटिफिक स्थिति हुई है और किसी को भी डरने की बात नहीं है और सबसे बड़ी देखिए आपको सुरक्षा का ये है कि सबसे पहले जो स्वास्थ्य कर्मी है हम लोग जो डॉक्टर्स हैं जो हमारा नर्सिंग वही हम लोग सबसे आगे आए हैं, जब वो लोग जो डॉक्टर्स हैं वो सबसे आगे टीका लगवा रहे हैं तो इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये पूरी तरीके से सुरक्षित। श्रोताओं समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर वाशने आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया उनकी शंकाओं का निवारण किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। श्रोताओं आज के अंक में बस इतना ही, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि आपको डॉक्टर वाशने ने कोरोना से बचाव के लिए जो भी सलाह दी है आप उनका पालन करते रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें, साथ ही कोरोना के इस दौर में बदले हुए हालात में आप अपना हौसला यूं ही बनाए रखिये और देश में इस समय सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है आप उसमें सहयोग करिए और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने विशेषज्ञ की जो राय जो सलाह आप तक पहुंचाते हैं और जो हमारे नियमित श्रोता भी हमसे जुड़ते हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप हमारी जो ये सब बातें हैं इसे दूसरे लोगों को भी बताएं और लोगों को जागरूक रखें। और एक बात और कि जब भी मेरा ख्याल आए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति, नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर AK वाशने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।